गाइस वेलकम टू कुक सुप सुषेता। आज मैं बनाने जा रही हूँ दो टाइप्स के पिज्जा, पनीर पिज्जा और मशरूम पिज्जा, जो मैं पैन में बनाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस पे पिज्जा सॉस और मेयोनीज लगाऊंगी। अब मैं इस पे मेयोनीज डालूंगी। ऐसे ही सारे बेसिस पे हमने लगा दिया है। दो तरीके का पिज्जा बनाने जा रही हूँ, एक पनीर पिज्जा और एक मशरूम पिज्जा। सबसे पहले चीज को बेस पे मैं फैला दूंगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च लगा देती हूँ। अब मैं इस पे पनीर लगा दूंगी। ये पनीर पिज्जा है। अब मैं ये ओनियन काट के रखी हूँ। आप वेजिटेबल अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा स्वीट कॉर्न डाल दूंगी। पनीर पिज्जा रेडी हो चुका है। अब मैं मशरूम पिज्जा की तैयारी कर लेती हूँ। अब मैं मशरूम को डेकोरेट कर देती हूँ। सेम प्रोसेस रहता है, बस इसमें मैं मशरूम लगाती हूँ, उसमें पनीर लगाती हूँ। अब मैं कॉर्न को थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी इसमें। अब मैं मोजरेला चीज को इस पे पूरा फैला देती हूँ। ग्रेट करके मैंने रखा था। अब ये पैन में जाने के लिए रेडी हो चुका है। पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब मैं बेस को पैन में डाल देती हूँ मीडियम फ्लेम पे, और ये मैं ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए। पनीर पिज्जा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल करके मशरूम पिज्जा डाल दूंगी इसमें। अब मैं मशरूम पिज्जा डाल दे रही हूँ। इसे भी मैं 2 मिनट के लिए ढक कर के रख दे रही हूँ।
मशरूम पिज्जा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। मेरे दोनों फ्लेवर पिज्जा रेडी हो गए हैं। अब चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब इस पे मैं ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी बना है। अब आप पनीर पिज्जा देख लीजिए। दोनों पिज्जा बहुत ही ज्यादा यम्मी बना है। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। और एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें।